क्या ये चमत्कार कम है कि कथा सुनते सुनते आंखों में आंसू आ जाते हैं? क्या ये भागवत जी का चमत्कार कम है? इसलिए कहता हूं, 3 घंटे की पिक्चर भी होती है, 3 घंटे की कथा भी होती है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि जब आप पिक्चर देखने जाते हैं ना तो नींद नहीं आती। पिक्चर देखने जाएंगे ना तो नींद नहीं आएगी, जबकि कथा में कई बार नींद आने लगती है। पिक्चर में और कथा में यही अंतर है। कथा सुनने में नींद क्यों आती है और पिक्चर देखने में नींद क्यों नहीं आती है, इसका बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, नींद कब आती है? जब मन शांत होता है तब, या जब मन अशांत होता है तब? नींद कब आती है? जब मन शांत होता है। तो पिक्चर में नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि पिक्चर देखने से मन अशांत हो जाता है, जबकि कथा में नींद इसलिए आती है क्योंकि कथा मन को शांत कर देती है। यही है भागवत जी का प्रमाण कि ये प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष भागवत जी भगवान का स्वरूप है। भगवान इस युग में यदि किसी को मिलेंगे तो भागवत के रूप में मिलेंगे, शब्द के रूप में मिलेंगे। भागवत की शरण में आ जाओ। जब भागवत की शरण में आओगे तो आगे का रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। कहां जाना है, कैसे जाना है भगवान तक? जो लोग कथा नहीं सुनते वो भी वृंदावन आते हैं, वो भी बिहारी जी का दर्शन करते हैं और वो भी भक्त हैं, पर कथा सुनने के बाद जब बिहारी जी का दर्शन करने जाएंगे तो उन दर्शन में और उसके पहले वाले दर्शन में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। कैसे? जैसे जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं और आपकी बाजू की सीट में कोई महात्मा आकर बैठ गए, साधु, तो आपको तो लगेगा बाबा हैं, साधु हैं, सबकी तरह ये भी है। आप भी बैठे रहे, वो भी बैठे रहे। कभी आपने कहा बाबा जी थोड़ा खिसक जाओ, हम पांव सीधा करेंगे, बाबा जी वो ठीक है, कर लो। आपने बाबा जी को देखा, बाबा जी से बात भी की, पर जब आप ट्रेन से उतर के घर चले गए, बाबा जी भी चले गए, जब आप अपने घर गए तो आपको किसी ने बताया कि सुनो, एक महापुरुष का दर्शन, गांव के सारे लोग तैयारी करके जा रहे थे, आरती माला। आपने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? बोले हमारे गांव में एक महापुरुष आ रहे हैं, बहुत तपस्वी हैं, बहुत बड़े साधु हैं, भगवान का दर्शन किया है उन्होंने, उनसे मिलने। तो आप कहेंगे कौन है वो महात्मा? तो गांव वाले फिर फोटो दिखाएंगे, ये है वो महात्मा, अरे ये तो वही है जिनको हमने ट्रेन में देखा था। अच्छा हाँ, अब लो, आपने देखा तो था पर उनकी वैल्यू पता नहीं थी, उनके बारे में पता नहीं था, तो आपने देखा, सामान्य देख लिया, पर जब उनके महत्व को पता लगा, आपके तक पहुंचा, उनका महत्व क्या है, वो साधु कैसे हैं, वो सामान्य नहीं है, वो महापुरुष है जो आपके बाजू में बैठे थे, जब आप उनके बारे में सुनेंगे, उनके गुणगान सुनेंगे, तब आपके भीतर अपने आप उनसे मिलने की अब और उत्कंठा होगी। अभी आप मिले थे तब उत्कंठा नहीं थी, मिल लिया था बस, पर अब आपने जब सुना लोगों से कि भाई वो बड़े दिव्य हैं, तब उत्कंठा हुई। उसी प्रकार लोग सामान्य रूप से बिहारी जी से मिलकर चले जाते हैं, पर कथा सुनने के बाद तो आपके भीतर बिहारी जी से मिलने की उत्कंठा जागती है, और जब उत्कंठा जागे और फिर दर्शन करें, उसका अलग ही आनंद है। भाई हमें प्यास नहीं लगी फिर भी हमने पानी पी लिया, उस पानी का कोई अर्थ नहीं, और प्यास लगी और फिर पानी पिया तो पानी अच्छा लगेगा। तो बिहारी जी से मिलने की पहले प्यास तो जगे,
भगवान का मिलना कठिन नहीं है मेरी माँ। बिहारी जी तो बैठे हैं लाखों साल से, आओ दर्शन करो। बिहारी जी के मिलने में कोई बाधा नहीं है, पर बिहारी जी के मिलने में जब हृदय में उत्कंठा अधिक हो और उस उत्कंठा के साथ, उस प्यास के साथ जब मिला जाए तो उस मिलन का आनंद ही करोड़ों गुना है सामान्य मिलन से। तो भागवत क्या करती है? भागवत आपको भगवान से मिलने की उत्कंठा प्रकट करती है। इसलिए भगवान से मिलने के पहले कथा से मिलना चाहिए, भगवान से मिलने के पहले भागवत से मिलना चाहिए। जब भागवत से मिलोगे तो भगवान के मिलने में आनंद आएगा।